नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिकों का नामकरण। आपको बता दें कि जटिल यौगिकों के नामकरण से संबंधित यहाँ जो नियम समझाया जा रहा है, जो नियम हम समझाने जा रहे हैं, वो सारा नियम मतलब आप पहले से भी जानते हैं एक साधारण यौगिक के लिए। जैसे आप रूल पहला रूल नंबर 1 के रूप में इस IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या लिखे हैं, क्या जानते हैं कि हमेशा धनात्मक भाग का नाम पहले और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में। तो धनात्मक भाग का नाम पहले लिखा जाता है। आपके पास जो भी आपके पास मेमोरी पावर मेमोरी में कुछ यौगिक का सूत्र याद है, जैसे कि NaCl, जैसे कि H2SO4, तो इस सभी यौगिक में HCl, NaOH कोई भी यौगिक में धनात्मक भाग तो ही पहले बोलते सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम धनात्मक भाग, क्लोराइड ऋणात्मक भाग, HCl तो यहाँ H2SO4 हाइड्रोजन, मतलब जो बोलते हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ कहने का मतलब या जिंक सल्फेट, तो आप धनात्मक भाग का नाम ही पहले बोलते हैं। तो धनात्मक भाग का नाम पहले और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में। ये एक साधारण यौगिक के नामकरण से उठकर नियम आया है कि आप सोडियम NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर अब हम सीधे जटिल यौगिक पर ले चलते हैं। जैसे ये जटिल यौगिक है, तो क्या आपको समझ नहीं है कि ये वाला भाग जो है धनात्मक भाग है, तो इसका नाम पहले लिखाएगा और इसका नाम बाद में। अगर इसमें बात करेंगे तो ये वाला धनात्मक भाग है और ये ऋणात्मक भाग है। इसमें समन्वय परिसर वाला भाग ऋणात्मक है पहला वाला में, और आयनन परिसर वाला धनात्मक है। तो पोटेशियम का नाम पहले और FeCN का होल सिक्स का नाम बाद में। दूसरे एग्जाम्पल में CuNH3 का होल सिक्स का नाम पहले और CN3 का नाम बाद में। तो रूल नंबर 1 समाप्त होते होते बस इतना ही समझा के गया कि आप हमेशा धनात्मक भाग का नाम पहले और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में। अब रूल नंबर टू समझा रहा है कि रूल नंबर 2 समन्वय परिसर का नामकरण, IUPAC नामकरण समन्वय परिसर का। तो पहले ये तो जानिए कि समन्वय परिसर में क्या क्या होता है। समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु और संलग्नी होता है। तो केंद्रीय धात्विक परमाणु और संलग्नी रहेगा समन्वय परिसर में, तो पहले संलग्नी का नाम लिखा जाता है और बाद में केंद्रीय धात्विक परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो धीरे धीरे आप जाने, पहले पूरे यौगिक पर ध्यान दिए तो धनात्मक भाग का नाम पहले, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में, फिर यौगिक पर ध्यान दिए तो समन्वय परिसर नया चीज आ गया। अब समन्वय परिसर में ध्यान दिए तो उसमें दो चीज दिखाई दिया, संलग्नी और केंद्रीय धात्विक परमाणु। तो संलग्नी का नाम पहले, केंद्रीय धात्विक परमाणु का नाम बाद में। अब संलग्नी का नाम लिखने चले तो पता चला संलग्नी 3 प्रकार का होता है। तो संलग्नी 3 प्रकार का होता है, तो रूल नंबर 3 आ गया। तीनों तरह के संलग्नी के लिए यहां नियम एकदम बारीकी से समझाकर बताया जा रहा है, ध्यान दिया जाए। सबसे पहले ऋणात्मक संलग्नी का नामकरण आप सुने होंगे, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, एसीटेट आयन, सल्फेट आयन। तो ये देखिए सभी ये एमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, तो सबके आयन का नाम जरा ध्यान से देखिए। नाइट्रेट लास्ट में ई है, ये लास्ट में ATE है, लास्ट में ID है, लास्ट में ID है, लास्ट में ID है, ठीक है, लास्ट में ATE है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि जो भी ऋणात्मक संलग्नी होगा उसके नाम के अंत का ID ATE ET है, तो ये ID को ई को हटाकर ओ कर देंगे, ई को हटाकर ओ कर देंगे, तो ID से बदलकर क्या हो जाएगा, ITE से बदलकर ATE से बदलकर। मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब देखना है तो यहाँ देखिए, नाइट्राइड आयन तो नाइट्रीडो, हाइड्रोक्साइड आयन ई को बदलकर ओ कर दिए, एमाइड आयन एमीडो, हाइड्राइड आयन हाइड्रीडो, थायोसाइनेट आयन थायोसाइनेटो, सल्फाइड आयन सल्फीडो। मतलब अंत का ई लेटर ओ में बदल जाएगा, तो ID, IT, AT बदलकर AT, IDO और ATO हो जाए। तो इस तरह से ये अब बोला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एसीटेट आयन, कल भी सुने, पिछले क्लास में भी सुने, अब ये एसीटेट का ATE बदलकर ATO हो जाएगा, एसीटेट ऑक्साइड ऑक्सो, पेरोक्साइड पेरोक्सो। तो ये सब नाम जो भी है निगेटिव लिगेंड्स का है,
और निगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में या तो आई डी या तो आई टी या ए टी और ई को हटाकर ओ कर देंगे। अब बड़ा लिगेंड का बात कर दे, ग्लाइसिनेट आयन, तो यहां पर ए टी ई आया है, ई हटाकर ओ, ग्लाइसिनेटो। अब यहां देखिए, आप बढ़िया से इसके बारे में पढ़े थे, बहुत अंतुक्षण लगने का, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन, ये हो जाएगा इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, एसीटेटो, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईडीटीए। एकल दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, षष्ठ दंतुक, कौन सा संयोजन है, षष्ठ दंतुक, और ये बहुदंतुक भी है, ठीक है। तो ये है ऋणात्मक संलग्नी के नामकरण का छोटा सा नियम कि आई डी ई आई टी ए टी रहेगा, ई को हटाकर ओ कर देगा, तो ये आई डी ई से बदलकर आई डी ओ हो जाएगा, आई टी से बदलकर आई टी ओ, ए टी से बदलकर। अब हम बात करते हैं आपके सामने धनात्मक संलग्नी के लिए, तो धनात्मक संलग्नी के लिए यहां बात कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव लिगेंड, तो ध्यान दिया जाए धनात्मक संलग्नी के नाम के अंत में आई यू एम आता है, क्या आता है, जैसे एनो प्लस को हम नाइट्रोसोनियम ईएम आई यू एम, यहां एनो टू प्लस नाइट्रोनियम, एनएस टू एनएस थ्री प्लस हाइड्राजीनियम और सीएल प्लस क्लोरोनियम, तो ये धनात्मक संलग्नी के लिए। ऋणात्मक सॉरी ऋणात्मक धनात्मक हो गया, अब उदासीन, उदासीन संलग्नी के नाम को अधिकतर ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और कुछ एक्सेप्शन वाला भी संलग्नी है जो आप जानेंगे आगे क्लास में। तो उदासीन संलग्नी के लिए पहले देखा जाए पीएस थ्री को आपकी ब्लॉक में पड़ गया फॉस्फीन, तो फॉस्फीन पड़े हैं फॉस्फीन है, यहाँ सी एस थायो कार्बोनाइल, सी एस थ्री एन एच टू सी एच सी सिक्स एच फाइव एन पाइरिडीन, तो पाइरिडीन C6H5 का होल थ्राइस पी, यहाँ देखिए फॉस्फीन का सूत्र होता है पीएस थ्री, पीएस थ्री का एच हटाते गए तीनों एच बारी बारी से हटाए और एक एक एच हटाकर फिनाइल लाते गए, फिनाइल लाते गए, तो कितना बार फिनाइल लाएंगे, पीएस थ्री में तीन एच होता है, तीनों एच हटेगा ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इथिलीन डायमीन, आप जानते हैं द्विदंतुक संलग्नी, जो उदासीन संलग्नी है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है वो क्या होता है, तो ये सब उदासीन संलग्नी के नामकरण से संबंधित बताया गया कि ये सभी उदासीन संलग्नी है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे जिसका यूज हम नाम लिखने में करेंगे। आपको बता दें कि इससे संबंधित आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर संबंधित 11 रूल है, जिसमें से आज केवल तीन नियम पढ़े, और तीन नियम में पहला नियम ये था कि धनात्मक भाग का नाम पहले, ऋणात्मक भाग का नाम बाद। दूसरा नियम था कि समन्वय परिसर में हमेशा संलग्नी का नाम पहले, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद। और जब आया संलग्नी का नामकरण, तो ऋणात्मक संलग्नी के लिए आई डी आई टी ए टी रहेगा, तो ई को हटाकर ओ, और धनात्मक संलग्नी के लिए आया कि आई यू एम इसके नाम के अंत में होता है, उदासीन संलग्नी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये अधिकतर यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ कुछ अपवाद स्वरूप संलग्नी भी आएगा, जैसे H2O को आज से कभी सोचे भी नहीं होंगे कि H2O को यहाँ पर नाम दिया जाएगा एक्वा, क्या दिया जाएगा एक्वा। अब NH3, NH3 को आप क्या कहते हैं अमोनिया, और यहाँ लिखाएगा एमीन, क्या लिखाएगा एमीन, और एमीन वो वाला एमीन नहीं, इसमें डबल एम होता है। तो बहुत सारे एक्सेप्शनल लिगेंड्स भी है जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, फिलहाल आपको इतना अच्छे से आपको अपने मतलब व्हाट्सएप नंबर पर ये पूरा भेजा जाएगा, एकदम सही सही पूरा आपको लिखना है। अब रूल नंबर 4 प्रारंभ होने जा रहा है, रूल नंबर 4 ये बता रहा है कि अगर किसी संकुल में जो भी बोल रहे हैं दिखाकर, इसलिए हर स्टूडेंट अपने से कॉन्सेंट्रेट माइंड से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, रूल लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में 4-5 कंपाउंड दे देगा जिसका आईयूपीएससी नेमिंग करना होता है, और 3 दिन के क्लास मतलब इस पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से हम आपको इतना कैपेसिटी प्रदान कर देंगे कि आपको ये पूरा रूल आपके दिमाग में मूव करता रहेगा, और कोई कंपाउंड का नाम मतलब आप तुरंत देखते ही लिख पाएंगे, ये कैपेसिटी आएगा, क्योंकि पीछे 3 रूल पढ़े, 3 रूल आपके माइंड में है, एकदम शॉर्टकट में है, ऋणायन का नाम पहले, ऋणायन का नाम बाद में, दूसरा रूल संलग्नी का नाम पहले, धातु का नाम बाद में,
अगर धनात्मक संलग्नी है तो आईडीआईडी मतलब ऊपर वाला का ऊपर होगा, धनात्मक संलग्नी आईयू है, उदासीन संलग्नी नो परिवर्तन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये चीज आपके माइंड में एकदम संक्षेप में एकदम सेट हो गया। वैसे ही रूल नंबर चार, रूल नंबर चार कह रहा है कि किसी संकुल में, ये है आपका संकुल, देख सकते हैं इस संकुल में एक नहीं दो नहीं तीन प्रकार का संलग्नी है, तीन प्रकार का संलग्नी है। तो तीन प्रकार का जब संलग्नी होगा, जस्ट लाइक उसी तरह से जैसे आप कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते थे, एक से अधिक प्रकार का प्रतिस्थापी होता था तो आप क्लोरो नाइट्रो मिथॉक्सी, तो आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते थे। बस वही काम यहां भी करना है कि एमीन का ए, क्लोरो का सी, नाइट्रो का एम, तो कौन पहले? एमीन, तब क्लोरो, तब नाइट्रो। और आपको अच्छे से रूल नंबर टू सिखा कर गया है कि अगर किसी संकुल का नामकरण करना हो तो पहले केंद्रीय धात्विक परमाणु से पहले संलग्नी का नाम है। तो संलग्नी का नाम यहाँ रूल नंबर चार बता रहा है कि एक से अधिक प्रकार की संलग्नी हो तो सभी के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला नाम उठ कर आएगा एमीन, है अमोनिया लिखा जा रहा है एमीन, एक बार आया है, और यहाँ क्लोरो या क्लोरीडो दोनों सही है, उसके बाद नाइट्रो। थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, कहीं भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए, अगर स्पेस छूटा तो ये तुरंत अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा में हो जाए। जिस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट में है उसी तरह नाम लिखने के क्रम में कहीं स्पेस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और अब केंद्रीय धात्विक परमाणु कौन है? कोबाल्ट, तो यहाँ लिखाएगा कोबाल्ट। और उससे भी ज्यादा जरूरी अब जो चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, हर केंद्रीय धात्विक जो संकुल में केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है उसके नाम के बगल में ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। जो आप सभी स्टूडेंट में थोड़ा कमी है, ऑक्सीकरण संख्या का वीडियो लेक्चर कंप्लीट आप करेंगे आज, अगर हम सेट कर दिए तो अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिया। ऐसे उतना थोड़ा थोड़ा आता है, नहीं भी आता है तो हम बताते हुए चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं अपना नॉलेज 100% आप लोग कंप्लीट रखिए हर टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या आपके सामने निकाल रहे हैं, सीओ का निकालना है एक्स, अमोनिया एक उदासीन अणु है, सीएल कहीं भी देखिए कोई आयन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो उसका कोई यौगिक याद कीजिए, जैसे एचसीएल, HCl, HCl को दोड़िए H plus, आपको याद रहेगा कि Cl पर minus one of आवेश होता है, minus one ऑक्सीकरण संख्या होगी। NO2 का कोई यौगिक याद करिए, HNO2, HNO2 तोड़िए H plus, तो इससे थोड़ा सा आपको जल्दी से और जितना आवेश दिख रहा है वही ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ पर plus one आवेश है पूरे संकुल पर, इसलिए plus one। हल करने पर क्या दिख रहा है? plus one और plus two, कितना हो गया? तो यहाँ आपका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा रोमन अंक में, जो रूल नंबर अभी 8 में बताया जाएगा, लेकिन यूज अभी हो गया कि हमेशा संकुल के केंद्रीय धात्विक परमाणु के नाम के बगल में छोटा कोष्ठ में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या लिखना है रोमन अंक। तो अब रूल नंबर चार क्या समझा कर गया कि एक से अधिक प्रकार संलग्नी हो तो उसके नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्णमाला के क्रम में, एक से अधिक प्रकार का होता, ये देखिए एक से अधिक प्रकार का नहीं है, बढ़िया से देखिए, एक ही प्रकार का संलग्नी है लेकिन कितना बार है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है कि जब एक ही प्रकार का संलग्नी दो बार आए तो उसके नाम के आगे डाई लगेगा, तीन बार आए, चार बार आए, पांच बार, छह बार, छह बार आया है तो साइनो, आप लोग ऑर्गेनिक में यूज करते थे साइनो, तो यहाँ साइनो भी चलेगा, साइनिडो भी चलेगा, साइनाइड से साइनिडो, लेकिन साइनो ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा आप यूज करते हैं वो भी चलेगा। तो एक चीज यहाँ पर और फिर बता दे, इसमें कोई आयनन परिसर में नहीं था, यहाँ बढ़िया से देखिए आयनन परिसर में, तो आयनन परिसर और समन्वय परिसर के नाम के बीच में स्पेस छूटेगा, जगह छूटेगा, ठीक है। तो नाम लिखने तो जा रहे हैं, पोटेशियम, पोटेशियम स्पेस
ये स्पेस इशारा है कि अब आयनन परिसर का नाम समाप्त हो गया, अब समन्वय परिसर का लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद पहले संलग्नी का नाम हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, और यहाँ पर अब रूल नंबर 7 अभी आगे आ रहा है, यूज यही शुरू हो गया। केंद्रीय धात्विक आयन अगर ऋणात्मक संकुल में स्थित हो, ऋणात्मक संकुल में है, देख लीजिए बढ़िया से, इसमें धनात्मक संकुल में था, तो ऋणात्मक संकुल में अगर केंद्रीय धात्विक परमाणु प्रेजेंट होगा तो उसके उसके नाम के अंत में एटी लगेगा, यानी निकेल नहीं निकलेट, कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट, फेरेट मतलब आयरन नहीं फेरेट, जिंक नहीं जिंके, लेकिन कब? जब संकुल ऋणात्मक हो। कैसे हम जानेंगे कि हमारा संकुल ऋणात्मक है? जब बाद में आएगा, जब आयनन परिसर पहले आ जाएगा, समन्वय परिसर बाद में, तो उस केस में, या फिर अगर ऋणात्मक आवेश रहेगा उस पर तब। तो इसमें क्यों नहीं हम कोबाल्टेट लिखे? क्योंकि धनात्मक संकुल था। तो यहाँ पर हम अब लिख रहे हैं फेरेट, और फेरेट लिखने के बाद अभी एक और काम बाकी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाना है। ऑक्सीकरण संख्या हम आपके सामने निकालेंगे, ये क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक में प्लस वन होती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम लिथियम सबके बाधक में एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आयरन का निकालना है, सीएन का कहीं भी माइनस होता है, सीएन माइनस के रूप में होता है, माइनस वन, और गुणा पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, मतलब देखिए छुट्टा है जीरो, पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं। एक बार फिर से, के का क्षारीय धातु प्लस वन, एफ का निकालना है एक्स, सीएन का माइनस वन, और छह है, छह से गुणा बराबर जीरो क्यों हुआ, यहाँ बराबर प्लस वन कैसे हो गया था, इस पर आवेश था प्लस वन, इस पर कोई आवेश नहीं। अब सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ध्यान से देख लीजिए, प्लस टू आया और इसके बगल में रोमन अंक में प्लस टू, समझ में आ गया। तो रूल नंबर 5 समाप्त होते होते क्या सिखा दिया, कि एक ही प्रकार का संलग्नी दो बार तीन बार चार बार पांच बार आए तो उसके आगे उसके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। पूर्व लग्न मतलब आगे लगेगा उसके नाम के, जैसे हेक्सा लगा पूर्व लग्न आगे। रूल नंबर 6, आप लोग एक संलग्नी पढ़े हैं ईएन, इथिलीन डाइएन, एक डाइन पढ़े हैं डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, तो इस संलग्नी के नाम में ही पहले से डाई ट्राई आ गया, इथिलीन डाइएमीन आ गया ना डाई, तो जिस संलग्नी के नाम में ही डाई ट्राई आ जाएगा, अगर वो दो बार तीन बार चार बार आए तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं डाई ट्राई टेट्रा उसकी संख्या को दिखाने के लिए, उसके लिए स्पेशल वर्ड बताया जा रहा है वितरण। फिर से, जिस संलग्नी के नाम में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा वर्तमान होता है उसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए आप विशेष प्रकार के पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं जो यहां बताया जा रहा है, और वो विशेष प्रकार का पूर्व लग्न अगर दो बार आपका संलग्नी उस तरह का आए बोलना नहीं है, बस ध्यान से समझिए। दो बार के लिए 20, तीन बार के लिए 30, मतलब ये है कि आप अगर दो बार उसको देख रहे हैं तो उसके नाम के आगे 20 लिख कर लिखेंगे, तीन बार आए तो 30 लिख कर, तो यहाँ देखा जाए तीन बार है तो तीन बार है तो हम यहाँ तो पहले 30 लिखेंगे, फिर इसका नाम क्या होता है बता दीजिए, इथिलीन इथिलीन डाइएमीन डाइएमीन। अब ये निकेल, निकेल लिखाएगा कि निकलेट, निकेल जो कि ये पॉजिटिव आए पॉजिटिव संकुल है, तो निकेल लिखाएगा, निकेल लिख दिए,
एक बार फिर से, जब किसी संलग्नी के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा वर्तमान हो तो उसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है, जैसे दो बार के लिए 20, तीन बार के लिए 30। तो याद देख रहे हैं, इसके संख्या को दिखाने के लिए तीन बार है तो ट्राई लिखना गलत। 30 इथिलीन डायमीन निकेल। और अब इसका ऑक्सीकरण संख्या हम आपके सामने निकालेंगे, निकेल एक्स, ये उदासीन संलग्नी है, जीरो होता है, जीरो गुणा तीन बराबर प्लस टू, दो का दो रह गया। तो अभी तक तीन रूल हमने समझाया, तीन रूल पहले से पढ़े थे, ठीक है, शॉर्टकट एकदम तीनों का रिकैप। एक से अधिक प्रकार संलग्नी हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, रूल नंबर फाइव, दो एक दो दो बार तीन बार चार बार है, डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल करते हैं, संलग्नी के नाम में ही डाई ट्राई मतलब पेंटा हो तो 30 और 20 इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। और अब रूल नंबर 7 और 8 आने से पहले ही इधर ही बता दिया गया। रूल नंबर 7 क्या बताया गया कि अगर आपका संकुल ऋणात्मक हो तो केंद्रीय धात्विक परमाणु के नाम के अंत में एट ही लगेगा, लेकिन शर्त है संकुल ऋणात्मक हो तब। तो आप सभी स्टूडेंट इस संकुल का नाम लिखने के लायक अब हो गए हैं, 6 बार आया है, हेक्सा फ्लूरो फ्लूरो हेक्सा फ्लूरो और फेरेट, एकदम सही फेरेट। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या लिखवाएंगे, एफी का एक्स निकालना है। दुनिया के किसी भी यौगिक में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 पी ब्लॉक में आप पढ़ कर आए, पी ब्लॉक का हमेशा पी ब्लॉक में बताया गया था कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 किसी भी यौगिक में बराबर। सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है, ये जाएगा उधर +6 +3, तो क्या लिख दे 3। कहीं से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या थोड़ा आप लोग को मजबूत करना होगा। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 8 है कि जो आप अभी पीछे भी सुन चुके हैं कि हमेशा केंद्रीय धात्विक परमाणु, किसी संकुल का नाम लिख रहे हैं तो केंद्रीय धात्विक परमाणु के नाम के बगल में छोटा कोष्ट में ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है, जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, सब ये ऑक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं, यही है रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 एक बार फिर से, किसी संकुल के केंद्रीय धात्विक परमाणु के नाम के बगल में छोटा कोष्ट में ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखा जाता है। तो आप एक तरह से दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लीजिए, आप लोग खुद नाम बता दीजिए। सीओ को कार्बोनाइल कहते हैं, चार बार है तो क्या लगेगा, टेट्रा कार्बोनाइल। क्या आप लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे सब नाम आप समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं और याद भी होता जा रहा है, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल निकेल एकदम सही, जीरो। देख लिया जाए कैसे, निकेल का एक्स, सीओ का 0 × 4, कोई आवेश नहीं है, आएगा 0। और ऐसे भी हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखिए PtNH3 और Cl4। तो यहाँ पर ये देखिए पोटेशियम भी यहाँ बाहर इंतजार कर रहा है, तो पहले पोटेशियम लिख कर स्पेस और तब लिखाएगा ये सब ना। तो यहाँ पर इसका नाम लिख रहे हैं, चलिए पोटेशियम स्पेस छोड़ेंगे, पोटेशियम के बाद स्पेस एमीन लिखाएगा पहले, एमीन के बाद पेंटा क्लोरो, पेंटा क्लोरो, पेंटा क्लोरो, प्लेटिनम की प्लेटिनेट। आपका संकुल निगेटिव है कि पॉजिटिव, निगेटिव, क्योंकि बाद में है, बाद में आने वाला संकुल, यहाँ देखिए आयनन परिसर पहले आ गया है, समझ में, परिसर बाद, जस्ट लाइक, ठीक है, तो प्लेटिनम होगा प्लेटिनेट,
प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। और अब ऑक्सीकरण संख्या आपके सामने निकलेगा, पोटेशियम प्लस वन पीटीएक्स एनएस थ्री जीरो सी एल गुणा बराबर सॉल्व करेंगे, यहां बच रहा है माइनस फोर, उधर जाएगा दिक्कत। रूल नंबर नाइन, तो यहां देखा जाए नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्यामितीय समायवी के नामकरण से संबंधित है रूल नंबर नाइन। तो रूल नंबर नाइन ज्यामितीय समायवता से संबंधित है, और ज्यामितीय समायवता आप सभी स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़कर आए हैं कि जब द्विबंध जुड़े हुए कार्बन के एक ही ओर दो समान परमाणु समूह होता है तो सीस, और द्विबंध जुड़े हुए कार्बन के अपोजिट साइड में विपरीत साइड में जुड़े ट्रांस। एकदम वही कॉन्सेप्ट देखते हुए सुनिए, जब किसी संकुल में दो समान संलग्न केंद्रीय धात्विक परमाणु के एक ही ओर हो, एक छोटा सा ट्रिक, एक ही ओर हो या 90 डिग्री के अंतर पर हो, तो वो सिस फॉर्म वाला संलग्न मतलब कि संकुल होता है। और जहां जब दो समान संलग्न केंद्रीय धात्विक परमाणु के अपोजिट साइड में हो या 180 डिग्री पर हो, तो वो संकुल ट्रांसफॉर्म वाला होता है। तो यहां पर दो समान परमाणु या समूह का स्थान कौन ले लेगा? संलग्न। दो समान संलग्न एक ही ओर रहेगा तो वो सिस, और अपोजिट साइड में रहेगा ट्रांस। अब हम लोग को इस ज्यामितीय समायवी का नाम लिखने के लिए सीखना है, और नाम लिखने के लिए सीखना है तो आपको बता दें कि इस दोनों का सेम नाम आएगा, बस इसके आगे सिस लिखाएगा और इसके आगे जैसे ब्यूट ट्विन, लेकिन एक ब्यूट ट्विन के आगे सिस, तो दोनों सी एस थ्री एक साइड ऊपर रहेगा, और ट्रांस ब्यूट ट्विन तो दोनों सी एस थ्री नीचे, जस्ट लाइक यहाँ। तो आप पहले सिस और ट्रांस ऐसे सिस ट्रांस लिखवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दिए यहाँ सिस इसको देखकर। अब बोलिए ये है एमीन और ये है क्लोरीन, तो पहले कौन लिखाएगा? डाई एमीन, डाई एमीन डबल एम, डाई एमीन डाई क्लोरो या क्लोरीडो दोनों सही, और उसके बाद प्लेटिनम की प्लेटिनेट प्लेटिनम, क्योंकि यहां निगेटिव नहीं है ना, न्यूट्रल है, तो प्लेटिनम, तो प्लेटिनम प्लैटिनम हो गया। अब हम लोग को इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ये देखिए दो NH3 के लिए 0 इंटू 2, प्लैटिनम के लिए X, Cl का अधिकतर माइनस 1, ऐसे भी आप लिगेंड लिखते हुए Cl माइनस लिखे, जितना आवेश होता है वही ऑक्सीकरण संख्या होता है, इंटू 2 बराबर 0, कोई आवेश नहीं है, माइनस 1 इंटू 2 2 है इसलिए 2, तो यहाँ x इक्वल प्लस 2, तो यहाँ प्लैटिनम के बगल में सेम एकदम नाम इसका है, बस इसके नाम के आगे जल्दी से बोला जाए ट्रांस डाई एमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम Platinum 2। चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की ओर। ऑप्टिकल आइसोमर्स का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले प्रकाशीय समायता का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हम प्रेजेंट कर दें। प्रकाशीय समायता पढ़ने से पहले आपको समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बताया गया था कि समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो एक प्लेन में चलता है, और जब ऐसा प्रकाश किसी कंपाउंड के विलयन पर, किसी यौगिक के विलयन पर पड़ता है, और यौगिक का वह विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को कुछ एंगल से मोड़ देता है। अगर आप उस सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे और समतल ध्रुवित प्रकाश जो एक लाइन में पड़ रहा है, सपोज दैट इस यौगिक का आप सॉल्यूशन लिए हैं और इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे सीधा आकर पड़ा और आने के बाद तुरंत इस डायरेक्शन से ऐसे मोड़ दिया गया, तो आप कहेंगे कि यौगिक का ये सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो वाला है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक वाला है। लेकिन अगर
इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जो सीधा आ रहा था और अगर ये बाई ओर मोड़ दिया जाता है तो वो वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा। जैसा कि आप प्रकाश की समानता में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ा जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोड़ा जाता है तो डेक्स्ट्रोफॉर्म कहलाता है और जब बाईं ओर मोड़ा जाता है तो लिगोफॉर्म। तो यहां समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर जब मोड़ा जाता है तो डेक्स्ट्रोफॉर्म और बाईं ओर मोड़ा जाता है तो लिगोफॉर्म। तो यहां आप ध्यान देंगे कि आपके दिए गए रासायनिक सूत्र में डी लिखा है कि एल लिखा है, क्योंकि हम लोग कैसे जानेंगे केवल यौगिक का सूत्र देखकर कि ये दाईं ओर मुड़ेगा कि बाईं ओर। कुछ ना कुछ तो संकेत जरूर होगा सूत्र में, तो संकेत है आप देखिए डी। डी का मतलब डेक्स्ट्रो, एल का मतलब या प्लस या माइनस सूत्र में दिया रहेगा। लेकिन याद रहे ये डी इसके लिए नहीं है, आयनन परिसर का क्षमता नहीं है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा दे, ये डी इसके लिए है संकुल के लिए। ये संकुल घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर और बाईं ओर। तो जब नाम लिखेंगे तो इस डी का यूज संकुल यानी समन्वय परिसर से पहले होगा, आयनन परिसर के नाम के पहले डी का यूज नहीं होगा। तो यहां ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम एक बार फिर से बता दें, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ा जाएगा तो यौगिक का वह फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है और उसके नाम के आगे डेक्स्ट्रो डी प्लस पूर्व लग्न का प्रयोग होता है। इसी के जस्ट विपरीत जब समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोड़ा जाता है तो उस यौगिक के नाम के आगे लिवो एल माइनस पूर्व लग्न का प्रयोग होता है। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, तो यहां पर सबसे पहले आप लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम हो गया स्पेस। यह स्पेस इशारा है कि आयरन परिसर समाप्त, समन्वय परिसर का नाम आने जा रहा है और इसके नाम के आगे आ गया डेक्स्ट्रो या छोटा सा डी या प्लस, तब जाकर यह लिखाएगा। अब ये पहचान लीजिए ये कौन सा ऑक्सलेट का नाम बदलकर ऑक्सलेट कितना बार है, ट्राई ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट टू, ट्राई ऑक्सलेट। और क्रोमियम यहाँ ऋणात्मक संकुल है तो क्रोमियम लिखना गलत, क्या हो जाएगा क्रोमेट, तो क्रोमेट क्रोमेट तो क्रोमेट हो गया। अब आया बारी ऑक्सीकरण संख्या का, थोड़ा सा भी नहीं घबराएंगे, पोटेशियम प्लस वन गुणा तीन, क्रोमियम एक्स, ऑक्सलेट आयन जो आप कॉपी में लिगेंड के रूप में लिखे हैं ध्यान दीजिए कैसे लिखे थे, सी डबल ओ माइनस माइनस, जो आवेश वही ऑक्सीकरण संख्या, माइनस दो गुणे तीन बराबर जीरो, कोई आवेश है क्या, नहीं। हल करवाइए, टू एक्स कितना है ये थ्री और ये कितना बच रहा है प्लस थ्री, माइनस थ्री इधर आएगा क्रोमेट थ्री, तो दिक्कत। लास्ट रूल नंबर ग्यारह, रूल नंबर ग्यारह प्रकाशीय समावयव सॉरी बहुनाभिकीय संकुल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बहुनाभिकीय संकुल का नामकरण आप पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुनाभिकीय संकुल किसे कहते हैं, यहां से इधर सभी जटिल यौगिक को देख लीजिए एक ही केंद्रीय धातुक परमाणु है, एक ही केंद्रीय धातुक परमाणु है जिसमें भी देखिए, और इसमें देखिए दो केंद्रीय धात्विक परमाणु है, दो केंद्रीय धात्विक परमाणु, तो वैसा संकुल जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है बहुनाभिकीय संकुल कहलाता है। बहुनाभिकीय संकुल पहचानने का दो नियम, पहला नियम उसमें एक से अधिक केंद्रीय धात्विक परमाणु आएगा, दूसरा नियम उसमें एक विशेष प्रकार का संलग्नी आएगा जिसका नाम सेतु संलग्नी है। अब यह सेतु संलग्नी क्या होता है
वो संलग्नी जो एक साथ दो केंद्रीय धार्मिक परमाणु से जुड़ा होता है। सेतु मतलब वास्तव में पुल का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, और ये वास्तव में दो जटिल यौगिक एक तरह से जुड़ गया है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, और बीच में ये पुल का काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है, इसलिए संलग्नी का नाम सीधे सीधे क्या हो गया, सेतु संलग्नी। सेतु संलग्नी देखते ही आज के बाद जान जाएंगे कि ये बहुनाभिकीय संकुल है और ये सेतु संलग्नी। तो नाम लिखने से पहले इस दोनों सेतु संलग्नी को पहचान लीजिए। आपकी कॉपी में संलग्नी वर्तमान है, इस संलग्नी का नाम बढ़िया से देखा जाए, इस संलग्नी का नाम कौन बताएंगे? NH2 एमीडो। इस संलग्नी का नाम है एमीडो और ये है नाइट्रो। तो यहाँ ये एमीडो और ये है नाइट्रो। तो हम चलते हैं इस कंपाउंड का नाम लिखने। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा कंपाउंड का नाम आप ही लोग लिखो। बस तीन भाग में सोचना है, तीन पार्ट में सोचना है। पहला पार्ट यहां तक, दूसरा पार्ट यहां तक, तीसरा पार्ट यहां तक। तो आप केवल इतना पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और जितना इसमें से नॉलेज लेकर आए हैं उस नॉलेज का यूज कीजिए। बोलिए टेट्रा एमीन हो गया कोबाल्ट। अब यहाँ पर देखिए आकर आप क्यों रुक गए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखाएगा, ऑक्सीकरण संख्या लिखाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या आपको यहीं पर सामने निकालना होगा। बोलिए 0 × 4 + CO(X) NH2 पर एक माइनस है, कॉपी खोलकर देख लीजिए, संलग्नी पर NO2 पर भी एक माइनस है, CO निकालना है, NH3 और ये NO3 नाइट्रेट आयन है जिसका होता है −1 × 4 = 0। तो ये सॉल्व करने पर देखिए आ रहा है XX हो गया 2X, −1 −1 −4 −6 और हल करने पर ये आ रहा है 6/2 यानी +3। तो +3 यहाँ लिखाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर ये दोनों आ गया है एमीडो और नाइट्रो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखाएगा, कौन पहले आएगा? और जो सेतु संलग्नी होता है उसके नाम के आगे, तो म्यू एमीडो, म्यू नाइट्रो, म्यू एमीडो, म्यू नाइट्रो। और अब उसके बाद आ गया आपका फिर से ये पूरा, तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3। अब यहाँ स्पेस छूटेगा ताकि पता चले कि समन्वय परिसर यहाँ समाप्त होता है और आयरन परिसर का नाम जब आएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? टेट्रा नाइट्रेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर लिखते तो यहाँ पर भी तो लिखते ट्राई पोटेशियम। आयरन परिसर में जो कोई केमिकल दो बार तीन बार चार बार आता है तो उसके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर नाइट्रेट लिखेंगे एक बार फिर से, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, म्यू एमीडो, म्यू नाइट्रो, उसके बाद टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3 और ये पूरा खत्म। आपका आयरन परिसर आ रहा है नाइट्रेट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग 1 से लेकर 11 तक ये सारा रूल समझ गए होंगे और ये भी नाम जो लिखवाए आप लोग ये अच्छे से आपको आता होगा, तो आप लोग शायद अपने से लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ पेश कर दीजिए जल्दी से। आराम से, शांति से, धीरे धीरे। टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3 म्यू एमीडो म्यू नाइट्रो एमी, टेट्रा 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 एमी,
टेट्रा एमी कोमाल कोमाल थ्री नाइन थ्री। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ अच्छे से समझ में आया समझाया गया, तो आप कम से कम इतना रिजल्ट इसका देंगे कि 100 कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम और उसका सूत्र। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन बैंक का टोटल ए टू जेड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो भी क्वेश्चन होगा खोज कर एकदम एक जगह उसको बना लीजिए आज भर में, और उसके बाद फिर गेस्ट पेपर का और तब किताब का। 100 क्वेश्चन एक तरफ आप देख कर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देख कर बनाने के पीछे या फिर सूत्र एक एक साथ, मतलब 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के पीछे लक्ष्य क्या है कि जैसे जैसे आप यौगिक के आईपीएससी नेम से गुजरेंगे आपको ये सारा नियम याद होता चलेगा, जो भी हम बात बोले हैं घूमता चलेगा दिमाग में, और 100 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको लगेगा कि 11 नियम याद हो गया। तो ये काम आज करेंगे तो क्या फायदा है? फायदा ये है कि आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। कल पढ़ेंगे या 10 दिन बाद बनाएंगे तो क्या दिक्कत है? पहले रूल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कम से कम मिनिमम 100 और 100% गारंटेड क्वेश्चन में ये है आपके 10+2 लेवल में, और आईआईटी मेंस के भी एग्जाम में एग्रीकल्चर सबके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आते हैं। सुपर 60 ऑप्टिमम साइंस क्लासेस बाय राजेश सर, IITG मेंस प्लस एडवांस एंड मेडिकल के एग्जाम में 5 वर्षों से लगा